मैं बात करता हूँ आपसे, दो साल हो गया शूट करते करते, और मैं जैसे ही एंटर करा और गाना वैसे प्ले हुआ तो मैं एकदम से दो साल पहले पहुंच गया, 27 साल पहले पहुंचे मैं दो साल पहले। उस तरह के गानों का इस्तेमाल आप किए और फिर ही इज कमिंग विद द डिजिटल भाई। ओके सर, आप क्या कहेंगे? आप दोनों ही बहुत मसरूफ होने वाले हैं, कितना मुश्किल और आसान होता है दोस्तों के लिए वक्त निकालना? जैसे he said just right now, कि सीधा शूट से यहाँ? जी हाँ बिल्कुल, मैंने इनको वही कहा कि यार स्टेपन की परफॉर्मेंस है, स्टेपन का लॉन्च है, we had to come here and I भी हमें रास्ते मिल गए, so we just kind of got together and came here and डिफिकल्ट होता है बट दोस्तों के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, 2 मिनट सही 5 मिनट सही निकालना बस पड़ता है, थोड़ी सी थोड़ी डेफिनेटली यार हमें दोस्तों एक्साइटेड क्योंकि सबसे बड़ा बैनर मेरे लिए वीनस ऑफ कोर्स एंड इससे बड़ा कि सेलिब्रेटिंग 27 इयर्स ऑफ साजन एंड मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ संजय दत्त सर का, माधुरी दीक्षित जी का और सलमान सर का गैन एंड चंपक जैन जी भी इतना अच्छा काम करते हुए इतनी अच्छी अच्छी फिल्म सुनने दी है और स्पेशली ये जो सॉन्ग है मेरा दिल भी कितना पागल है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस इंडस्ट्री बिकॉज जब ये सॉन्ग निकला था बहुत पहले तो जब कुमार सानू जी ने गाया था इस सॉन्ग को तो इस सॉन्ग को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था तो ऑब्वियसली मेरे पर बहुत प्रेशर था इस सॉन्ग को गाने के लिए, तो जब पहली जब मुझे सॉन्ग मिला तो मैं बहुत डरा हुआ था ऑनेस्टली, मैंने बोला था पता नहीं मैं सॉन्ग को गा पाऊंगा नहीं गा पाऊंगा, मैंने बोला कि आप आर यू श्योर कि आप चाहते हो कि मैं इस गाने को गाऊँ, तो सब लोग को बहुत भरोसा था मुझ पर, बहुत ट्रस्ट किया, स्पेशली वीरल मोटानी जो इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनने मुझे बोला था कि इस तभी तू इस गाने को गा सकता है तेरे अंदर ये आवाज़ है, तो ऑब्वियसली उनने मुझे इतना ट्रस्ट किया तो मेरे अंदर एक इतना प्रेशर था और इतना एक पावर भी था एक प्यार था। ओके सो ही इज़ वीरल मोटानी, ही इज़ प्रोड्यूस द सॉन्ग एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ चंपक जैन जी, सो इनने मुझ पर ट्रस्ट किया, कंपनी ने मुझ पर ट्रस्ट किया, सब ने मुझ पर भरोसा रखा, तो मैंने एक बहुत अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करी आवाज़ एंड शायद आप लोग को पसंद आए वो गाना और आपको आवाज़ पसंद आए और सभी को शायद पसंद आए, तो एक प्रयास किया है हम सब लोगों ने मिलकर, एक छोटी 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 एफर्ट्स बहुत सब लोगों ने डाले एक्चुअली थोड़ा 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 करके, लेट्स सी अब बाकी अब आप लोग बताएंगे गाना कितना अच्छा आपको लग रहा है और लोग गाने कितना पसंद कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जानना। वैसे तो यही गाना गाने तो बहुत सारे इंडस्ट्री में अनगिनत गाने हैं, जब मैं साजन की बात करता हूँ तो साजन संगीत के लिहाज से, एक्टिंग के लिहाज से, म्यूजिक के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत बड़ी फिल्म लगी, कल्ट फिल्म मानी जाती है, तो कैसे आपके जहन में आया कि गाने को करना चाहिए? तो बेसिकली 27 साल कंप्लीट हो रहे थे साजन को, तो वो एक सबसे बड़ी बात थी और ये उस टाइम का सुपरहिट गाना था, तो वी थॉट लेट्स ट्राई आवर लक ऑन इट। टू यू नो क्या उम्र रही होगी जब साजन रिलीज थी और क्या आप सोचा था आपने? सर अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो पर बेसिकली आप सभी जानते हैं कि ये इतने बड़े एक्टर्स हैं संजय दत्त जी, सलमान जी और माधुरी दीक्षित जी की अगर जो नहीं भी पैदा हुआ होगा उसने भी ये मूवीज़ को 100 बार देखा होगा और इतनी बार देखा होगा, तो जैसे कि मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस इंडस्ट्री का और उठते सी बॉलीवुड गाने सुनता हूँ, बॉलीवुड लाइफ देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने इस गाने को इतना पसंद किया है पहले, तो मेरे लिए तो ये सॉन्ग बहुत बड़ा है और जैसे कि आपने कहा कि मैं मेरी उम्र क्या रही होगी तो मैं तो नहीं रहा उस टाइम पर, बट मेरे लिए इस सॉन्ग के लिए इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा प्यार
रहे हैं और जैसे कि 27 ईयर सेलिब्रेशन इस सॉन्ग का, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ऑलरेडी। अब लेट्स सी आप लोग का रिएक्शन क्या होने वाला है सॉन्ग सुनने के बाद और कैसा लोग पसंद करने वाले हैं सॉन्ग। सर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी मैं इन सबसे मिलने वाला हूँ, अभी मैं संजय दत्त जी से नहीं मिला हूँ, तो ऑब्वियसली जब ये देखेंगे सब जानेंगे और जब मैं इनसे मिलूंगा तो मुझे पता चलेगा कि वो लोग मुझे बताने वाले उनको सॉन्ग कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आई एम जस्ट वेटिंग राइट नाउ कि रिएक्शन सबके कैसे होंगे। ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज़्यादा था जैसे कि इतने बड़े बड़े लोग इस फिल्म के अंदर इन्वॉल्व थे, पर अब ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि वो उन्हें गाना कैसा लगता है और वो क्या बोलने वाले हैं मुझे गाना सुनने के बाद और वीडियो देखने के बाद। हालांकि चंपक जी को सॉन्ग पसंद आया तो मैं बहुत खुश हूँ। चलिए चंपक जी से बात करते हैं। चंपक जी, आज एक अलग तरीके से उसको उस गाने को पेश करा जा रहा है, क्या इस क्या कहना चाहिए इस पूरे आइडिया के बारे में, और दिल का नॉस्टैल्जिक एक अलग औरा दौर रहा है। देखिए वो जो साजन का दौर था वो इतना बेहतरीन, मतलब इतना ज़बरदस्त दौर था, जब हम लोग तो मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा यंग थे एक्चुअली सर। सुधाकर बुगाड़े साहब, नदीम श्रवण, समीर साहब, इन्होंने इतना खूबसूरत मतलब इतने खूबसूरत मतलब ये गाना एक अकेला मेरा दिल भी तो पागल हिट नहीं था, उसके पूरे के छः छः के गाने सुपर डुपर हिट थे। तो अभी हमने सब उसको वापस रिवाइज करने के लिए सोचा है, तो मिस्टर विरल जो है यहाँ पे, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की है सारे प्रोजेक्ट में। और ये डायनामिक जो सिंगर देख रहे हैं ये भी फ्यूचर का सिंगर है, ये कमाल गाया भी है इन्होंने, बहुत खूबसूरत गाया, वेरी हैप्पी। और मेरी बेस्ट विशेस इसके साथ हैं कि ये मतलब इनका हमारी कंपनी के साथ ये पहला गाना है, और मुझे लगता है कि हम ये गाना तो कर ही रहे हैं, आगे हम इनके साथ मतलब नया गाना भी करेंगे। एक नई कंपोजिशन होती है उसमें एक सिंगर को अपनी एक अलग पहचान मिलती है, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने बहुत अच्छा गाया, और इनकी पूरी टीम जो पूरी टीम है, वीडियो डायरेक्शन है या वीडियो में जो भी लिया है, तो सारा काम बहुत ही बेहतरीन हुआ। और मुझे लगता है कि आज की जो यंगस्टर जो जिस तरह से लोग उनको हमारे देखे पुराने गाने तो आज भी लाइक करते ही नहीं, लेकिन उसको रिक्रिएट किया हुआ गाना भी लोगों को बहुत पसंद आता है। क्या क्या आप मानते हैं रिक्रिएट करने की जरूरत है? हाँ जी, जैसे आप बात कर रहे हैं रिक्रिएट करने की, आप मानते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब रिक्रिएट करते हैं? डेफिनेटली बढ़ जाती है, ज्यादा होती है। ऑलरेडी गाना जो बहुत कामयाब रहा है, एक संगीत बहुत कामयाब रहा है। नहीं देखिए, अभी मैंने इसके पहले जब कोई बात बिगड़ जाए किया था, वो इतना बड़ा हिट हुआ। देखिए मतलब सचेस, मतलब 2018 के मार्च में मैंने रिलीज़ किया था, अब उसके 96 मिलियन हिट्स है उसके ऊपर, अब शॉर्टली वो 4 मिलियन और हिट हो गए, 100 मिलियन हिट हो गए। जब कोई बात बिगड़ जाए, उस ज़माने में कितना बड़ा हिट गाना था, तो वो गाना भी हिट हुआ हमारा, और मुझे लगता है ये भी 100 मिलियन के आसपास ही जाएगा, जैसा विरल का गाना देखा हीरो बने हुए इस गाने के। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन 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 ओ साजन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैं खड़ा हो पाऊँ और चंपक जी मैं वो डिलीवर कर पाऊँ आगे भी, जैसा आपने मुझे कहा कि आपने मौका आप मुझे देंगे अगला। आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि आपने इतनी बड़ी बात मेरे लिए बोली। और इस पे चरित जी हमारे डायरेक्टर हैं, जिन आपने आई एम श्योर आपने उनका काम सुना होगा, और धर्मा जी में धर्मा प्रोडक्शन में उन्होंने बहुत काम किया है चरित जी ने, और स्पेशली इस वीडियो को डायरेक्ट किया हमारे लिए। फिर गौरव चावला एंड मोर जो और से साइलेंट्स के लोग आए, वो लाइन प्रोड्यूसर है सॉन्ग के, आप जब कोई बात बिगड़ जाए शायद इन सब ने साथ में काम किया था इस सॉन्ग पे। और इसके अलावा डेफिनेटली हमारे स्टाइलिस्ट ईशान, मैं डेफिनेटली उनको आपको झलक दिखाना चाहता हूँ ईशान कहने के लिए। एंड इसके अलावा जो पूरी टीम है, विक्की हार्दिक म्यूजिक डायरेक्टर जो है हमारे, जिनने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको भी बहुत सारा प्यार। और जो एंटायर टीम है, रितिशा जो हमारी एक नई फीमेल एक्टर लॉन्च हो रही है, उनके लिए भी, उन सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो मैं चाहता था कि ये नाम मैं लेना चाहता था जाने से पहले, क्योंकि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और थैंक यू सो मच, आप लोग प्लीज़ अपना प्यार हमें दीजिए, और बाइट्स तो हो ही रही है पर पर्सनली भी आप हमें सपोर्ट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो वेरी मच। This wonderful opportunity. I enjoyed every bit of it. Any specific memories when you see about
Sajan, Long Back, I remember as a kid when my parents used to watch that movie and listening to that song all the time, especially my mom. And once I remember that Sanju sir was looking like that time, so handsome, you know, having those long hair and the personality was very attractive. So I started liking even that time. He's so stylish, you know, you just can't take your eyes off him. So that was the memory that I have. And now comes this particular song and you are part of it. Excited, nervous, how was it? I've always been a huge fan of Madhuri ma'am, and you know, doing this song, like performing on Madhuri ma'am's song was so exciting. It was like a dream come true for me. So yeah. No, that I can never be. Being a Madhuri ma'am, I can never even imagine thinking of that. But yeah, just living that moment, you know, thinking that Madhuri ma'am song is there and I'm doing it, that was like exciting, and yeah, it was beautiful. The sense of responsibility goes up when you do a song like this. Yeah, it does, because the pressure is there. You have to perform, face the camera, you have to look good and you have to match. Even if you try so hard, you can't match till that level. But you know, we tried our best to like look good and perform well. Who is my Sanjay Dutt? I wish I could perform with Sanjay Dutt in that and do a little romance. Nobody can be Sanjay Dutt. I have to thank you for this, and he has done an awesome job in this song. Thank you. बिल्कुल support करने की हमारी habit है. हम ये कोशिश करते हैं कि जब भी जिसके साथ ही काम करें, friendly behavior में काम करें, क्योंकि जब एक friendly behavior नहीं होता है, तो बहुत tough हो जाता है काम करना, because you're not comfortable working with people. So यही हम लोग का था कि हम लोग जैसे मिले, हम लोगों ने एक दूसरे को comfortable किया. पहले हम लोग किसी को जाने थोड़ा बहुत, हमने काम करना चालू किया, बट बहुत कम टाइम मिला एक्चुअली दुबई में. एक्चुअली जाते से हम लोग सीधे वर्क पे चले गए थे, और आई थिंक 2 days में वी फिनिश्ड आवर शूट. But we had a great time actually. Luckily, Charit ji, जो हमारे director है, उन्हें इतना comfortable किया हम दोनों को, इतना comfortable किया, मतलब properly सिखाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है. Because I'm a singer, आप लोग जानते हैं कि singer के लिए इतना easy नहीं है act करना at the same time. But he made me act for the first time and I was not nervous at all while acting. I was having my own good time. And I think he made it very easy. Very easy. आप सुबह से जाना चाहोगे comparison होगा. जो गाना हम already देखते आए हैं सालों से, और उसके बाद हम इसको नोटिस भी देखें. कंपैरिजन तो बहुत दूर है एक्चुअली, क्योंकि संजय दत्त जी और सलमान जी और माधुरी जी, दे आर लेजेंड्स. सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो कंपैरिजन सिर्फ यही होगा कि हाँ, ये लोग कोशिश करें, इन्हें कुछ रीमेक किया है. बट हम लोगों ने पता है कोशिश ये किया कि ना एक पॉजिटिव साइड में सॉन्ग को लेके जाए, कि सॉन्ग को सॉन्ग का सोल नहीं लेके जाए सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग इज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो एक सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि सॉन्ग में ज़्यादा रीमेक करते बहुत सारे पोर्ट्रेट किया है. तो आई एम श्योर कि लोग पसंद ही करेंगे, ज़्यादा कंपेयर ज़्यादा नहीं करेंगे. अरे देखो, आप लोगों को पता है अमेरिका से होना तो मेरी हिंदी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है. जो मैं कहना चाहूँ, इज माई ब्लड ब्रदर, मेरा भाई, आई लव हिम ब्रो. बेसिकली हम लोग एक ही कंपनी में शूट करते थे साथ में, तो उसके बाद लकीली हम लोग को इतनी बार परफॉर्मेंस का मौका मिला. हम लोग पहले हैदराबाद शो करने गए, फिर हम लोग दुबई भी साथ में शो करने के लिए गए, तो हम लोग इतने शोज कर लिए साथ में कि हम लोग ऑब्वियसली यूज्ड हो गए साथ में दूसरे के. आकाश, मैंने और नहीं देखा होगा, आपको तो पता ही है, मेरे पापा से सबसे पहले मैंने देखा. Oh, and it's so rocking, man. This guy, he brings simplicity to the key and it's so perfect and makes you feel like you are in the video. और आपका खुद का अंदर से आपको फीलिंग आएगा जब आप देखोगे. It's gonna be rocking. It's gonna be such. चलो गाइस, मैं जा रहा हूँ. Stephen, best of luck, bro. जाते जाते पूछेंगे एक रैप या कुछ. नहीं, आज नहीं कोई रैप. नो, नहीं आज कोई बैंग बैंग और रैप नहीं होने वाला है. आज होएगा बस साजन. That's it. Period. आकाश, एक last question. Yes. Boss की बात करें. आज बिग बॉस की भी बातें नहीं होगी. एक सेकंड, आप खड़े हुई है और आप थोड़ा बात करिए. नहीं सर, थोड़ा सा जानना चाहिए.
लेकिन आप मिलते नहीं है इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप मिलते नहीं हो, हर 15 दिन में मेरे घर पे मीडिया आ रही है, मेरे गाने आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, सब आते हैं। बॉन बॉन बिस्किट याद नहीं है क्या? रोमिल, मेरी माँ का फेवरेट रोमिल, तो मुझे रोमिल ही पसंद है, मैं रोमिल के ऊपर ही मैं डाल रहा हूँ। डिप्लोमैट कहा जाता है रोमिल? मैं बस रोमिल, बस अभी बस 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 क्या नहीं नहीं हेलो विकास, बिफोर साजन गोज, हेलो विकास गुप्ता मेरा शो में दुश्मन था, बाहर आके वो मेरा सच्चा दोस्त बना है, मुझे MTV एस्ट्रो स्पेस में बुलाया, मेरा गाना प्रमोट किया, आई लव विकास गुप्ता, एक नंबर आदमी ने कभी ऐसा नहीं देखा, आई लव आरसी ऑल्सो। ओके प्लीज गाइस, हम लोग बिग बॉस नहीं खेलने आए, नहीं 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 प्लीज, आई लव यू मीडिया, हम लोग बिग बॉस नहीं खेलने आए, आज साजन करने आए हैं। प्लीज मेरे को खुशी खुशी जान दोगे, मुझे खुशी खुशी जान दो, बस एक टाइम प्लीज, एक टाइम मेरे भाई के लिए साजन, लव यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू। Where we just have nostalgia moments, you know, और बहुत अच्छा लगता है जब एक iconic चीज़ recreate होती है और फिर आती है, and specially Stebbins, I think इतना talented बंदा है वो, मैं उसे काफ़ी time से जानता हूँ, he's so hard working and I wish him all the best, और you know may this track gives him more and more opportunities to go more further. And he's also part of this particular song. Right. आपने देखा कुछ? मैंने अभी ज़्यादा नहीं देखा, पर मैं excited हूँ अंदर जाके देखने के लिए, you know, so once I see it then I'll be able to tell you more about it. What's happening on the professional front? Well, professional front, everything's going lovely. My official remix album just got released on Speed Records. Ek music video maine kiya hai, Hi Mera Dil, going good. Aur December hai, I wish everybody a happy new year, Merry Christmas, God bless you, aur you know, may you get all that you desire the easiest possible. Sir, 15 मैंने ज़्यादा बिग बॉस देखा नहीं, ठीक है, लेकिन मेरे सारे दोस्त यही कहते हैं कि श्री इज़ डूइंग रियली वेल, ओके, एंड ऑब्वियसली आई एम अ क्रिकेट फैन एंड आई लव दैट पर्सनैलिटी जो भी मैंने थोड़ा देखा है, सो आई थिंक यू नो आई वुड प्रॉब्ली गो फॉर विनिंग इट। अली अगर मौका मिले तो एक बार फिर से बिग बॉस के घर में जाना? वेल मौका मिले लेट्स सी, अभी तक वो सोचा नहीं, लेकिन या मे बी लेट्स सी। अली अली एक्स कंटेस्टेंट अक्षी खान ने आरोप लगाया कि बिग बॉस के घर पे जाने के लिए विकास गुप्ता मदद करते हैं, कुछ फिक्सिंग होती है, क्या कहना चाहेंगे? कलर फिक्सिंग होता है? ऐसा कुछ नहीं है यार, वो क्या है ना कि मतलब दिस इज सो फनी यार, ऐसा कभी हो सकता है क्या? you know, और आरोप लगाया हमने नहीं, you know, क्या होता है ना कभी कभी कोई भी एक आर्टिस्ट, सी आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट हर, ओके, ऐसा उसे लगता होगा, पर ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है, यू नो, एंड यू नो इट, एंड इट इज़ रियली सैड अगर कोई ऐसा कोई आरोप डालता है चैनल पर, बट देन आई थिंक एवरीथिंग इन बिग बॉस इज रियल, एंड आई थिंक वो पूरे 24 घंटों को जब कम मिनटों में दिखाया जाता है, सो दैट इज़ वॉट यू सी, ओके, सो यू कैन जस्ट जज एनीथिंग। कांट बिलीव इट कि ही इज़ डूइंग इट, और ये गाना मतलब इतनी अच्छी तरह गाया है इन्होंने, आई थिंक इनके अलावा कोई और जस्टिस नहीं दे सकता है। जैसे वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हमारे आतिफ असलम, ये हमारे इंडियन आतिफ असलम है, एंड ही इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, टेक इट इन राइटिंग। हाँ, आतिफ असलम से डायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि आतिफ असलम को मैं सुनते हुए आया हूँ और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, तो मैं अपने आपको कहीं से भी उनको कंपेयर नहीं करता हूँ, बट अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं आतिफ जैसी मेरी आवाज़ मिलती है, मुझे कोई उनसे कंपेयर करता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे ये लगता है कि यार लोग मुझे उनसे उनके साथ मानते भी हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पर मैं अपने आपको उनसे बहुत दूर रखता हूँ, मुझे लगता है मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, उन्हें बहुत प्यार दिया है, बट मुझे लगता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, लाइक रिच बॉयज गौरव, सो गौरव ने मुझे नाइट लाइफ में इंट्रोड्यूस किया है और मुझे बहुत प्यार दिया है, एक छोटे भाई की तरह मुझे हर जगह गलवाया है, चाहे वो गोविंदा जी के बर्थडे से लेकर हर बड़े बड़े शोज पर इनने मुझे गलवाया है, ये मुझे लेकर गए, इन्हें इंट्रोड्यूस किया है मुझे, तो ऑब्वियसली आज इनने ये बात कह दी है कि मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ, तो मैं इस चीज़ को लेकर घर ले जाने वाला हूँ, इस कॉम्प्लीमेंट को रखने वाला हूँ सजा के, और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ये मेरे लिए मुझ पर इतना भरोसा करते हैं और मुझ पर इतना बिलीव रखते हैं। थैंक यू। जैसे बताया आपने, जर्नी देखी उनका, सफर देखा और कहीं खड़े भी रहे हैं, साथ दिया है जो हमें मालूम पड़ता है, क्या महसूस हुआ था कि यहाँ ही वो होंगे और आज यहाँ वीनस जैसी कंपनी के साथ एक एल्बम का हिस्सा बनना, वो
एक्चुअली हम बहुत इतफाक से मिले थे, मेरे को एक मेरी हम लोग की कॉमन फ्रेंड है, उसका एक फ़ोन आया था कि एक लड़का है भोपाल से, तो आपके यहाँ पे सूफी नाइट होती है अच्छी, तो एक बार ज़रा चांस दे दो इनको। तब मैं स्टेपन को जानता भी नहीं था, आज से 1.5 साल पुरानी कहानी है। तब मेरे को लगा चलो ठीक है यार, इतना बोल रही है वो, क्योंकि हम लोग का एक पैटर्न है, हमारे वो चार सिंगर है, वो चार सिंगर के अलावा और कोई गाता नहीं है, तो मैंने बोला चलो एक बार ट्राई करते हैं। और वो दिन है और आज का दिन है, ऐसा एक भी महीने में ऐसा मतलब दो वेनसडेज स्टेपन बैन हमारे यहाँ परफॉर्म करता ही करता है, तो आप समझ सकते हो कि क्या हिस्ट्री फॉलो हुई है और क्या हुआ है। अनगिनत फिल्में, आपको किसी तारीफ की जरूरत नहीं है, और अनगिनत गाने, और साजन अपने आप में एक बहुत कामयाब गीत का बनकर हुए संगीत के लिहाज से, अभिनय के लिहाज से। क्या सोचा था यहाँ तक आज आज जहाँ आप खड़े हैं कि उसको रिक्रिएट करा जा रहा है, नए अंदाज में पेश करा जा रहा है, और लिखा था आपने ब्रीफ करा गया होगा क्या आज तक गाना, डेफिनेटली बेटा, क्योंकि बहुत सारी, जैसा तुमने कहा, बहुत सारी यादें जो पुरानी हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। और होता क्या है कि ये गाने जो आज से 27 साल पहले एक गाना आया था और लोगों ने बहुत सराहा, और ख़ास तौर से हमारी म्यूजिक कंपनी के जो ये ओनर लोग हैं, इन लोगों ने उस फिल्म को और उस म्यूजिक को पॉपुलर करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और चूँकि ये बहुत ट्रेंड सेटर म्यूजिक रहा है साजन का, तो जब ऐसा कोई प्रयोग होता है, अभी मेरे बहुत से गाने इस साल हुए हैं रिक्रिएट, और जब चंपक से मेरी बात हुई और इन्होंने कहा कि मेरा दिल भी कितना पागल है को हम रिक्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम लोगों को तो बड़ी घबराहट होती है कि यार इतना बड़ा गाना इसको रिक्रिएट कैसे किया जाएगा। मगर जब मैंने गाना सुना, इन्होंने आज मुझे भेजा गाना, तो इतनी खूबसूरती से ये बच्चे जिन्होंने रिक्रिएट किया है, हार्दिक और विकी ने बहुत अच्छे से किया। और इससे एक जो सबसे अच्छी बात होती है कि यूथ के साथ जुड़ने का जो एक मौका हमको मिलता है, क्योंकि ये जो बच्चे जो आज 23 साल 24 साल के हैं, इनको पता नहीं कि साजन क्या थी, गाने क्या थे, और जब ऐसे गाने आते हैं और इनके साथ ये जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पहचान इनके साथ बन जाती है। तो एक हमारी ज़िंदगी में, हमारे करियर में भी एक ताजगी, एक नयापन आता है, और इन गानों को नई जनरेशन तक और एक और दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का मौका मिलता है। समीर सर, जब गाना, आई मीन उस वक्त जब लिखा था आपने, बहुत सारे ऑफकोर्स गाने हम सभी सुनते आ रहे हैं, बट एवरी सॉन्ग हैज इट्स स्टोरी, यू नो, व्हेन यू आर राइटिंग इट, सम एक भी होता डायरेक्टर का कि ये सिचुएशन है हम ये, और के अमूमन ये भी होता धुन पहले बन जाती है, तो बाद में मतलब फ्लो को उतारा जाता है कागज, मेरा दिल भी कितना पागल उससे जुड़ी हुई कहानी के बारे में जानना चाहिए, कहानी अगर बताना चाहिए। बेटा इससे कहानी तो फिल्म की कहानी थी, हमारी कोई कहानी नहीं थी, हमारी इतनी कहानी, हमारी इतनी सी कहानी ज़रूर थी कि जब माधुरी जी आई किसी प्रीमियर पे, तो लोगों ने बोला भाई देखिए इस कहानी में आप जो हैं उस फिल्म का जो शायर है उससे आप इश्क करती हैं, तो सचमुच तो आपको समीर जी से इश्क करना चाहिए, सलमान और संजय से क्यों कर रही हैं। सो ये सारी बातें याद आती हैं, और बहुत अच्छी फिल्म थी, कहानी बड़ी ज़बरदस्त थी, और म्यूजिक बहुत अच्छा हुआ, चूँकि वो मेरी कहानी थी, एक शायर की कहानी थी, और जब मैंने इसके गाने लिखे तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं उनको मैं लिख रहा हूँ। सो बहुत अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से वही एक वजह है जो आज तक इसका म्यूजिक इतना बड़ा हिट है। क्या मुतमईन है आप गाने से, आपने आपने गाना सुना देखा जी, क्या मुतमईन है आप, आर यू सैटिस्फाइड द सॉन्ग द वे 101% सैटिस्फाइड है। और ये लोग जो काम करते हैं वो बिना सेटिस्फेक्शन के करते ही नहीं, ये रिक्रिएट करने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की होगी वो मुझे पता है, ये जो आप तक जो बात पहुंची है इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी होगी, और काफ़ी लोगों से इन्होंने अप्रोच किया होगा, जो बेस्ट रहा होगा उसी को आप तक लेके आए। मैम, यू वुड लाइक टू ऐड सम? ये सबसे पहले मैं इनका धरा, ये हमारे बिन तेरे सनम जो हमारा लास्ट रिक्रिएट था, ये उनमें उनकी हीरोइन थी, तो आज ये हमारे बीच में गेस्ट बन के आई है। ठीक है, कम कम दिस ये सॉन्ग हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ, आई थिंक इट्स एन एवरग्रीन सॉन्ग, सो मेरा दिल भी कितना पागल है, और आई थिंक हर एज में हम ये सुनते हैं और आई थिंक कनेक्ट करते हैं, और उन्होंने जो रिक्रिएट किया है वो भी बहुत खूबसूरत है जैसे पहले था, सो आई थिंक आई दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। ओके, आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूँगा, कितनी उस वक्त तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म था ही नहीं, सब इंटरनेट वगैरह का सामान था नहीं, कैसी टेप आती थी? यस करेक्ट, ऑडियो टेप आती थी। यस, मूवी का गाना था जो वीनस ने किया था, एंड आई लव द वे दे प्रमोट देयर सॉन्ग्स एंड द म्यूजिक, और उनका जो म्यूजिक का सिलेक्शन होता है इट्स ऑलवेज द बेस्ट। साजन द फिल्म क्या देन में आता है, लॉन्ग टाइम सॉन्ग इन द फिल्म एंड एवरीवन इन द फिल्म
बचपन से हम उसको इतना सुना है इट्स बिकम लाइक एन एंथम. सो नाउ व्हेन वी लिसन टू द सॉन्ग इट्स लाइक विद अ न्यू वॉइस हियर इट साउंड्स मेस्टराइजिंग एंड बस आई जस्ट कीप ऑन. मैंने उसको 10 बार ही सुनी है तब से. सो द बेस्ट थिंग अबाउट द सॉन्ग इज ओल्ड मेलोडीज दैट नेवर डाई. तो वो आज भी वो गाना इतना यंग सुनाई देता है और इतना अच्छा सुनाई देता है एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक टू द जीवन. मेरा यही गाना बस माई फेवरेट. मेरा दिल भी कितना पागल है. I love both, but I'm more of a Salman Khan fan. And what's happening on the professional front? I have another music video coming up soon. My commercial ad is my trip is on here. And my next film is called Locha Factory. So I'll be start shooting for this film the next month onwards. Yes, all the best and thank you so much. Thank you. Thank you. Excited, nervous, butterflies, कुछ चल रहा सर? अब वो नर्वस का तो होता नहीं क्योंकि सब वेब सो देर इज नॉट रियली अ स्कोप ऑफ नर्वसनेस एंड एनी वे इट्स आउट टू द बट वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ऑब्वियसली बैक बाय सच अमेजिंग पीपल लाइक वीर एंड स्टेबिन एंड सॉरी फ्रॉम वीनस पिक्चर्स एंड एवरीवन. सो रियली रियली एक्साइटेड फॉर श्योर. There's a very interesting gentleman called Gaurav Chawla. He's going to be here soon. He's the man of the honor for everyone who must know. He is the man of the hour. He's going to be here soon. He's the one who connected both of us. Because I shot a video with him earlier this year in Greece. And he showed him my work and he really liked it. Let's collaborate. Let's do a rendition of Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai. And we had an idea. We took it to Dubai and it came about. And today we are where we are. It's all been, so far it's been positive, but it's too initial. I feel, let's hope everything is good and positive. And yeah, it's up to you all whether you all like it or don't like it now. It's up to you. It's already on air on YouTube at 5 o'clock. Okay. It's on YouTube on the Venus Movies channel. The first video that comes under the Venus Movies channel is our song. Please go watch it. Please go share it. Increase the number of views and give us the support that we need. We're doing this very honestly and organically. It's a very heartfelt effort. Please just do the best you guys can and give us some love. Sir is also here now. Abhi to matlab pura mahol banne wala hai. योगेश भाई का साथ है तो क्या माहौल नहीं बनेगा. एक्चुअली मीडिया से इसलिए मीडिया की वजह से माहौल बनेगा. बाकी मीडिया की वजह से सब स्टार्स है और मीडिया तो मोस्ट है. प्लस विरल भाई मेरे जो जूने दोस्त हैं और साजन पिछले गाने मुझे बहुत पसंद है और मेरी फेवरेट ओल्ड फिल्म थी. और संजय दत्त और माधुरी जी ने जो काम किया है माइंड ब्लोइंग है. और मेमोरीज तो नहीं लेकिन एक जरूर है कि आज भी उनके गाने अगर टीवी रेडियो पे टीवी में कहाँ भी अगर सुनाई देते हैं तो हम लोग ध्यान से देखते हैं और ऐसे ही गुनगुनाने लगते हैं गाने को. और जुड़ना ओल्ड मेमोरी के साथ इनका ओल्ड इज गोल्ड जैसा साजन का काम है. कोई एक गाना सर जो आपका काफी ये गाना तो ऑफकोर्स है ही हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं. इसके अलावा कोई गाना आपको काफी पसंद हो? बस यही फेवरेट है मेरा आज जो है वही. सबसे पहले तो संजय दत्त जी दिमाग में आते हैं और उस टाइम का जो साजन था वो भी दी बेस्ट था और जो अभी इन्होंने रिक्रिएट वर्जन बनाया दैट इज़ अगेन द बेस्ट वन. एंड स्टेबिन की वॉइस है तो इट्स एन अमेजिंग बिकॉज वो जब भी गाता है जो भी गाता है इट्स ऑलवेज लाइक नेचुरल एंड लाइक इट्स ऑलवेज गुड. So, any specific memories that you have when you with this song? The song, yes, because main is gaane ko pichle 4 mahino se sun rahi hu. तो गाड़ी में भी और हर जगह. तो अभी आज रिलीज़ का टाइम आया तो ऑब्वियसली सो मेनी मेमोरीज. एक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी मेमोरीज हैं इस गाने के साथ. जो सिंगर है उनके लिए क्या एक विश जो आपको तहे दिल से देनी हो? सिंगर इट्स हिज सॉन्ग. यस,
या उनका अभी ये डेब्यू सॉन्ग है लाइक ऑन स्क्रीन सो ऑल द वेरी बेस्ट एमिन आई मीन यू हैव डन अमेजिंग जॉब एंड आई नो यू गोना रॉक बिकॉज आपने बहुत मन से गाया और बहुत अच्छे से गाया और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आप एक्टर हो तो वो भी पता चल गया इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो वीडियो भी बहुत बहुत अच्छा बना है और हमारे प्रोड्यूसर साहब मिस्टर विलन मोटानी प्लीज़ आइए ये भी काफ़ी टाइम से इस गाने पे काम कर रहे थे तो बहुत अच्छा निकल के आया इनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हुए इस गाने में तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू What's happening in the professional front? Any other? For mine, yeah. There are many things going on. There is a one song is coming up. Abhi nahi, but thoda time lag raha hai. And there is a one web series is getting released in January. And there is like 2 to 3 projects are going on. So, I think once it's done, then like this, I'm gonna announce. Super. Thank you. Thank you. And both of them actually, Ritisha is upstairs, but both of them to just perform this song with such beautiful, like such grace and such like beautiful innocence that they have in their faces. So it was a great ride doing it with both of them. Yeah. एक बात बताता हूँ आपको actually ये पर्दे के पीछे रहने वाला इंसान है और इसलिए शायद आप इनको शायद पहचाने ना but अगर आप इनके बारे में जानना चाहें तो आप इनके बारे में नाम डालिए आपको पता चलेगा कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है और कौन सी फिल्मों में इनने डायरेक्ट किया है चरित जी और चरित जी के लास्ट गाने बहुत फिट रहे हैं हम सफर स्पेशली नेहा कक्कर का सॉन्ग था और अरमान मलिक का लास्ट इन्हें घर से निकलते भी डायरेक्ट किया था वीडियोज भी डायरेक्ट कर लिया इन्हें तो मैं मुझे कहना चाहिए भाई मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि चरित जी ने हमारा सॉन्ग डायरेक्ट किया एंड जैसा कि मैंने बताया भी था कि ही मेड अस ऑल सो कंफर्टेबल दैट अ पर्सन लाइक मी कमिंग फ्रॉम अ सिंगिंग बैकग्राउंड एंड कमिंग ऑन द एक्टिंग स्केल बट जितना इन्हें मुझे कंफर्टेबल फील करवाया और इतने प्यार से पूरा सॉन्ग फिनिश करवाया तो आई थिंक फॉर मी द एंटायर क्रेडिट गोज टू हिम इफ द सॉन्ग क्रॉसेस हिट millions the credit goes to him whatever it happens so. the credit goes to all of us including him definitely. At the top of the definitely. chain and a very very amazing team Paddy Parthiva who was my DOP Prathamesh who was a choreographer Suhani who worked with me as my associate and most importantly Gaurav bloody Chawla who's not here today when he comes here I want all of you all to give him a very very grand welcome as if this night has been associated and put together for him okay You all have to make him feel like this night is for him. And last but not the least, Mojo and Viral Motani, of course, who have produced this whole song and made it as beautiful as they can. I'm always glad to attend because they are like family. And my last song was released with Venus. That was with Amit Mishra and Palak Mochal. So yes, my best wishes to Stibble and Champak sir and all of the team members for Sajan Ray. I think Sajan. Yeah. Is there any memories with Sajan? Yes, I love the song from the very beginning and. It's like recently all the old songs are you know recreated and it's a really beautiful song and Stephen has you know sang it very well so yeah okay ma'am all are good I mean like I like them in their different particular roles and characters and they are both are nice आपका एक वीडियो आया था दिल बंदावा के साथ बहुत ज़्यादा मुझे जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कैसा रिस्पॉन्स था गुरु के साथ ये मेरा पहला गाना था तेरे ते एंड आई वाज लाइक रियली एक्साइटेड फॉर इट बट यू नो इतनी जल्दी दो सिर्फ आई थिंक 2 weeks में है एंड वी क्रॉस्ड 50 मिलियन सो यस आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड थैंक यू सो मच आई एम रियली हैप्पी आफ्टर 27 इयर्स यू नो वी गोना गेट टू हियर द सॉन्ग अगेन एंड स्टीवन ही डिड एन अमेजिंग जॉब मैंने अभी गाना देख के आई हूँ आई थिंक ही डिड एन अमेजिंग जॉब एंड ऑफकोर्स जब भी हम साजन की बात करते इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मूवी एंड ऑल ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस आर देयर लाइक माधुरी दीक्षित संजय दत्त जी एवरी वन एंड उसका रीमिक्स बना रहे हैं सो आई थिंक इट्स अ अमेजिंग थिंग एंड उन्होंने बनाया भी बहुत अच्छा है एंड उन्होंने सिंगर ने बहुत ही अच्छे तरीके से गाया सो आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट आपका फेवरेट गाना कौन सा किस
सभी गाने एक्चुअली उस टाइम के सभी गाने यू नो अगर हम बात करें आई थिंक उस टाइम के जो गाने हैं वो हमको आज भी याद हैं एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट आज के जो गाने आई डोंट थिंक सो आई रिमेंबर द लिरिक्स अगर कोई मुझे कोई गाना गाने को बोलेगा आई डोंट थिंक सो आई रिमेंबर एनी ऑफ द लिरिक्स एंड उस टाइम के जितने भी गाने इट्स ऑल ऑफ आर फेवरेट सॉन्ग्स एंड आई वॉज ऑलवेज माधुरी दीक्षित जी फैन सो आई थिंक उनके हर मूवी के गाने मेरे को पसंद थे एंड उन्हीं गानों पर बचपन से मैं डांस करती आई हूँ एंड आई थिंक शी वॉज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन एंड हेयर आई एम टूडे एंड उस चीज़ को हम जब दोबारा रीमिक्स के जरिए दोबारा देखने को मिलती है सो आई थिंक वी रियली गेट हैप्पी पुरानी ज़्यादा ताज़ा हो जाती हैं बट एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज लाइक द ओरिजिनल सॉन्ग सो ऑब्वियसली एवरी वन इज डूइंग ग्रेट जॉब इन विद द रीमिक्स बट आई ऑलवेज लाइक द ओरिजिनल सॉन्ग्स बट या इट्स अमेजिंग टू बी हियर हिस्टोरी फोर yes it did amazing for me and I think everyone loved it thank you so much everyone and life changing ki baat kare I don't see any difference I'm a very natural person I'm a very chill out person I'm always the same person whatever wherever I reach tomorrow and after history yes I have been getting a really really great opportunities and I even accepted a great opportunity so I think next year I'm doing 3 movies back to back so I'm really excited and I think life has been great and everyone has really supported me and loved me and thank you so much everyone thank you था सिर्फ हाजिरी लगाने आए थे बट उसकी आवाज़ इतनी सूदिंग है आई कॉन्ट रियली गो बैक एंड मैं यहाँ पे हूँ अभी काफ़ी देर हो गई आधे घंटा हो गया होगा हम लोग यहाँ पे एंड आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ऑल्सो वीनस टू आई थिंक 27 साल हो गए हैं आई गेस सो या सो रिक्रिएट जो किया है म्यूजिक इट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया था जैसे ही मैं अंदर आया और मुझे पता चला जैन ने मुझे बताया कि साजन को गाना रिक्रिएट किया है तो मैं एकदम से लॉस्ट हो गया था बिकॉज इट्स बीन 2 ईयर्स मैं ये उन दोनों की बातें शूट कर रहा हूँ वो भी सलमान भाई वाला तुम भी सलमान भाई तो मेरे लिए डबल खुशी थी मतलब एक तो मेरा दोस्त और सेकेंड जिस शो से मुझे लोग जानते हैं और तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन आ गया था सो यू नो आई एम हैप्पी एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट स्टेबिन ने अच्छा गाया है अच्छा वीडियो बस मैं सोच रहा था थोड़ा सेल्फिश होके कि काश उस वीडियो में एक झलक मेरी दिख जा सकती थी ओके देयर आर मेनी सॉन्ग्स व्हिच आर बीइंग रीक्रिएटेड सो व्हिच इज वन सॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू यू बोथ वांट टू बी रीक्रिएटेड मेरे रंग में रंगने वाली हो प्लान नहीं किया नो सच प्लान तुम्हारे कुछ प्लान्स हैं क्या बाहर जाने के मैं तो जहाँ आप जाओ यहाँ नहीं अभी ऐसा सच कोई प्लान नहीं किया बट हाँ जस्ट वांट टू विश यू एवरीबॉडी मेरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं सबके सब देखिए अभी रात के 12:45 बज रहे हैं और कोने में खाना खा रहे हैं सब वैसे बट इट्स लाइक ग्रेट जॉब 12:00 बज गए और घर पे मैं बोल चुका हूं सो चुका हूं या एब्सोल्युटली सो ग्रेट जॉब एवरीबॉडी एंड जस्ट विशिंग यू गाइस अ रियली रियली अ ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर स्टे सेफ एंड बी सेफ यार यू वर्क विद द खतरों के खिलाड़ी हाउ वाज एक्सपीरियंस विद रोहित सर रोहित सर से मैं सुबह ही मिल के आया हूं यार अभी और अमेजिंग एक्सपीरियंस था इट हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद रोहित सर एंड ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन I kind of idolize him because मैं खुद अपने stunts को honestly बहुत अच्छा experience था खतरों के खिलाड़ी का जो भी था जितने time I was 40 days I was there in Argentina and had good fun बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ patience सीखा and बस अपने mind को और अपने body को कैसे control करा किया जाता है वो बहुत अच्छा था and रोहित सर को बहुत सारी good wishes उनकी film के लिए जो release हो रही है सिम्बा आला रे आला Zero, Zero, Simba. And Simba. Simba, exactly. So for which film are you both excited? Yeah, मैं तो सिर्फ सारा के लिए हूँ बाकी तुम्हारा पता नहीं सारा के लिए और मैं यार मेरा ऐसा मानना है कि एक फिल्म ना बहुत मेहनत से बनती है तो जाके देखना तो बनती है तो मैं तो दोनों ही जाके देखूंगा बट आई एम वेटिंग फॉर सिम्बा सारा फिटनेस को नहीं लेता बिकॉज आई फाइंड सलमान भाई हल्के से मोटे हैं हल्के से बट आई वुडन्ट से दैट बट सलमान भाई अलग ही लेवल के हैं मैं सबसे बेस्ट चीज़ उनकी क्या लगती है मुझे उनका बिंदासपन आई मीन शाहरुख इज़ अ रियली गुड ओरेटर मतलब अगर 1000 लोग खड़े होंगे तो शाहरुख भाई कैन डू वंडर्स बट सलमान भाई का जो बिंदासपन है आई जस्ट लव इट आई मीन जी जी मैं देखता नहीं बिग बॉस ऑनेस्टली मैं फॉलो नहीं करता बिल्कुल भी बिग बॉस नॉट माई काइंड ऑफ अ शो मेरे गुरु जी हैं यार मतलब हाँ
मैं पहले बहुत बहुत अजीब सा एज इन नर्वस रहता था, बट जब से मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया है तब से तो मैं ऐसा हो गया मैं एक दिन बैठा हुआ था ऐसे जिस दिन केदारनाथ रिलीज हुई तो मुझे ना बड़ी प्यारी लगी सारा, तो मैंने गलती से, अब गलती है नहीं पता नहीं, बट यू नो मैंने उनको DM किया कि ना विश यू ऑल द बेस्ट फॉर केदारनाथ हे सारा, बट रीड नहीं हुआ विकास हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, विकास गुप्ता का नाम ही कंट्रोवर्सी रख देना चाहिए ऐसा लगता है, बट नहीं अच्छा अच्छा इंसान है, दिल के साफ है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास इतने सवाल आते कहाँ से हैं? सब बेचारे शांत खड़े हैं, आप बैक टू बैक सवाल पूछ रहे हो, कैसे सबके सब शांत है, कैसे कर लेते हो? वो जब आप शो देखेंगे, आपको जब फियर फैक्टर भी स्टार्ट हो रहा है 5 January, जब आप देखेंगे आपको पता लगेगा क्या क्या कंट्रोवर्सी थी और किस किस कंट्रोवर्सी से विकास बाहर निकल के आया है। यार गाना तो अपने आप में कमाल है, और ऐसा नहीं नया गाना है, वो बहुत पुराना गाना है, और साजन फिल्म अपने आप में अपने गानों के लिए बहुत फेमस थी। जब रिलीज़ हुई थी बात अलग थी, हम बहुत छोटे थे तो पता नहीं था, लेकिन अब जब वापस स्टेबिन ने गाया एंड इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, अ वेरी टैलेंटेड गाय, तो बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा बनाया है गाने को। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि वीनस ने भी लिया, और अपने ही बहुत ही एक माइलस्टोन था साजन फिल्म, उसको वापस लेके आया। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर स्टेबिन मोर देन एनीथिंग। To be very honest, मैं ना when we were like pretty young, जब हमने ये गाना सुनना शुरू किया था उस टाइम कोई ऐसा प्यार मोहब्बत तो करते नहीं थे, मतलब उस टाइम तक नहीं किया था, पर गाने सुन के अच्छा बहुत लगता था, ऐसे कोई एक ड्रीम वर्ल्ड में जाते थे कि यार हम भी कुछ ऐसा करेंगे, हमारी लाइफ में भी शायद ऐसा होगा और फिर ऐसा कुछ पता चलेगा, यू नो जो फिल्म की स्टोरी थी जिसे सलमान खान एंटर होता है, सिंगर कोई और होता है, एंड देन बाद में मालूम पड़ता है, तो वो जो ट्रेजेडी है वैसे सपने ज़रूर आते थे कि यार ऐसा शायद हमारे साथ भी होगा, तो वैसी कुछ मेमोरीज थी। बट ये गाना सुन के वापस पता नहीं क्यों एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा, तो वो बहुत अच्छी बात है, गाना सुन के बहुत अच्छा लगा, दैट इज समथिंग दैट आई एम रियली हैप्पी बिकॉज इट्स वन ऑफ हिज ओन काइंड। इंडिया में अभी तक उस तरह का सिनेमा बना नहीं है, इसलिए बहुत टाइम लगा उसे करने में, माई लुक इज टोटली डिफरेंट, आई हैव अ बिग बियर्ड एंड बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा उसके लिए, तो वो एक चीज़ न्यू ईयर में रिलीज कर रहे हैं, वेरी एक्साइटिंग फॉर दैट एंड होपिंग कि वो आने के बाद यू नो जो हमारे प्लान्स हैं जो आगे हम लोग बड़े लेवल पे यू नो एग्जीक्यूट करने वाले वो हो जाएगा। सो दिस इज़ वन फिल्म दैट इज़ कमिंग, दिस नेम इज़ नियति एंड मोस्टली 2nd week of January will be released on one of the leading online